और मैंने आकर यहाँ शूटिंग के लिए लोगों से बात की तो नोबडी वाज रेडी टू शूट ओवर देयर। मैंने कहा ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लोग देखने ही नहीं आने दे रहे हैं झोपड़पट्टी, तो शूट कैसे करूँगा मैं। तब मैंने एक बोर्ड पे नाम देखा, उस पे लिखा था महेंद्र गायकवाड़। मैंने कहा यार ये हु इज़ दिस गाय। तो मैंने मेरे प्रोड्यूसर जो शैलेश गोसानी उनको कॉल किया कि हु इज़ महेंद्र गायकवाड़। उन्होंने बोला सर महेंद्र जी जो है वो इस इलाके के सब कुछ हैं, उन्हीं की सब ये चौल है, सब एरिया है। देन मैं उनके पास गया और मैंने उनसे बात की, तो बातों बातों में मैंने उनका लुक जब देखा, मैंने देखा यार इतना अच्छा लुक है। मेरी फिल्म में एक करेक्टर था अन्ना का, ये लुक लाइक सेम उनकी तरह दिखते थे। तो मैंने उनसे बोला सर एक्टिंग की है कभी? हाँ छोटा मोटा कुछ किया तो है, बस मैं समझ गया कि इज एक्टर। फिर भी मैंने उनको कास्ट करके एक सपोर्टिंग आदमी रखा था कि अगर वो एक्ट नहीं कर पाए बाई चांस तो एक सपोर्टिंग आर्टिस्ट जो डायलॉग बोल दे। लेकिन उसका उल्टा हुआ, वो सपोर्टिंग आर्टिस्ट डायलॉग नहीं बोल पाया, अन्ना जो महेंद्र गायकवाड़ है उन्होंने डायलॉग बोले और बहुत फैंटास्टिक काम किया। आप लोग फिल्म देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा सर जी एक बात आता पूरे यूथ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, और ये सब्जेक्ट जो आपने चूज किया जो राज कपूर का पैटर्न आपने पकड़ा है ये बहुत ही अपने आप में एक अच्छा है, इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? देखिए राज कपूर साहब की फिल्म जितनी भी फिल्में मैंने देखी बचपन से, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ और ये कहानी भी उस फैन की है। दिस इज़ नॉट स्टोरी अबाउट राज कपूर साहब की वजह से नहीं, ये उनके फ़ैन की कहानी है। जो किरदार मैंने प्ले किया है इसमें, मेरा नाम मैंने अपने आप का राज कपूर रखी है, राज कपूर साहब मेरे लिए भगवान की तरह इस फिल्म में। ये वजह थी राज कपूर साहब को लाने की, क्योंकि एक तो मैं उनका फ़ैन हूँ, दूसरा मैं जो फिल्म बना रहा था वो पूरी उनकी फिल्मों का शेयर था उस फिल्म में, जैसा उनकी फिलॉसफी है। आज के ज़माने में लोग इंसान को इंसान ही नहीं समझते, तो वो इंसानियत जो चली गई है हमारे समाज से कम हो गई है, चली नहीं गई है, हमारे अंदर है, आप में है, बहुत लोगों में, उसे मैं वापस लाना चाह रहा था हमारे फिल्म के जरिए। मैं लोगों को बताना चाह रहा था कि सबसे पहले हमारे रिलेशनशिप होती है, उसके बाद दुनिया की पैसा ग्लैमर फेमस सब बात है। तो इस वजह से मैंने ये नाम यूज़ किया। और यंग जनरेशन को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जितने मर्जी आए सोशल मीडिया पर रहें, जितने मर्जी आए आपको व्हाट्सअप करने हैं मैसेज करने हैं करिए, लेकिन अपनी फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, अपने माँ बाप को अपने रिश्तों को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि जब वक्त ख़राब होगा तो वही लोग आपके साथ खड़े होंगे और कोई नहीं खड़ा, बस यही मैसेज है। ये क्वेश्चन और भी है आपसे कि यहाँ पर जो आपने गाना लॉन्च किया पब्लिक के बीच में, लोग काफ़ी खुश हुए और आपकी अच्छी फीलिंग नज़र आई लोगों के बीच में, आपने डांस किया, तो ये इन लोगों के बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे, क्या सपोर्ट था क्या था? बहुत अच्छा था, सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। और मैडम आप कुछ पूछना चाहती थी? वेरी फैंटास्टिक एंड बहुत ही एकदम इंटरेस्टिंग सॉन्ग है, मतलब ऐसा लगता है कि गाना शुरू होते ही बस नाचने का मूड करे। जैसे आप लोगों ने देखा अभी हमने यहाँ कैसे स्टेज पर गाना शुरू हो गया, ऑल ऑफ सडन हमने तो डांस किया है, साथ साथ हमारे साथ पब्लिक भी डांस किया। और इसके पहले भी जो हमारी जो गाना रिलीज हुआ है वो गली का हमारा, वो सुपर हिट हो गया और ये सेकेंड सॉन्ग आज रिलीज हुई। मैं होप करती हूँ कि आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगा, अश्विन आप क्या कहना चाहोगी इस गाने के बारे में और अपने कैरेक्टर के बारे में? बहुत टैकिंग है कि भाई मुन्नी सुनाई, ये मुंबाली एक अलग ही नाम है, यू नो मुंबाली नाम का कोई गाना आया ही नहीं है, एंड आई थिंक इट्स गोना बी द वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग सॉन्ग ऑफ द ईयर। तो होली दिवाली रस्तों पे न्यू ईयर पे पार्टी पे सब जगह प्ले करेंगे मेरी शो, बिकॉज बहुत डिस्को टाइप है एंड आई एम श्योर लोग बहुत मज़ा करेंगे इस पे नाच के, सो वेरी हैप्पी। एक इन्होंने मुंबाली वर्ड लिया तो ये हो गया इनका, तो मैं बोला मुंबाली जो है बेसिकली ये दिस इज़ माय क्रिएशन, ये मैंने ही लिखे हैं गाने, मैं ही लिरिक्स राइटर हूँ। और मैं जब इस गाने को लिख रहा था आइटम सॉन्ग को, तो मैं बहुत ज़्यादा सर्च कर रहा था कि एक टैग वर्ड चाहिए होता है, जैसे मुन्नी बदनाम हुई या फेविकोल या सो मैनी टाइप्स ऑफ है चिकनी चमेली लाइक दैट। सो मैं सोच रहा था ऐसा कोई यूनिक वर्ड हो जो मेरे गाने का टाइटल बने, तो मुझे कोई वर्ड नहीं मिल रहा था। देन मैंने मुंबई कर एक सोचा, मुंबई कर हम लोग उन्हें बोलते हैं जो मुंबई के रहने वाले हैं, तब मैंने सोचा कि अगर मुंबई की लड़की हो और गोरेगांव की हो, क्योंकि ये फिल्म में हम लोगों की शूटिंग गोरेगांव ही दिखाया हमने और वो जो हीरोइन है हमारी फिल्म की वो गोरेगांव की है जो ये प्ले कर रही है। तो जब आइटम गर्ल पे हम ये गाना लेके आए तो हमने वो गोरेगांव की लड़की को मुंबाली वर्ड दिया, मुझे लगा अगर मुंबई की है तो मुंबाली, जैसे गुजरातन पंजाबन ऐसे मुंबाली मतलब मुंबई वाली,
तो दिस इज द वर्ड मुंबाली इट्स फर्स्ट टाइम जो मैंने आपको किसी डिक्शनरी में या किसी सर्च में नहीं मिलेगा दिस इज यूनिक वर्ड देन आई यूज इट तो गाने का शौक आपको पहले से लिखने का है या फर्स्ट टाइम आप लिख रहे हैं सर आई एम नॉट ए लिरिक्स राइटर फर्स्ट तो मैं कह दूँ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक एक्टर ही हूँ सालों से आप लोग मुझे टीवी सीरियल्स में देखते आ रहे हैं मैंने एक पहले फिल्म बनाई थी दो बेचारे अभी मैंने एक फिल्म बनाई मैं सर लिरिक्स राइटर बिल्कुल नहीं हूँ मैंने डायरेक्ट की एक्टिंग की क्योंकि मैं डायरेक्शन हम लोग जानते हैं एक्टर को हुआ ये था कि हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं उनको हमने जब लिरिक्स राइटर से मिलवाया और लिरिक्स राइटर ने उनको रोज़ सॉन्ग सुनाए सर ये लिख के लाया हूँ ये लिख के लाया हूँ तो ही वॉज नॉट सर्टिफाई आई एम ऑल्सो नॉट सर्टिफाई और मैंने उनको बोला मैंने कहा नहीं सर ऐसा नहीं चाहिए ऐसा चाहिए तो बोले यार जो आप बोल रहे हो ऐसा चाहिए तो आप ही क्यों नहीं लिख लेते ये बात मुझे जब उन्होंने बोली जिनको हमने साइन किया था मेरे को थोड़ा तो लगा यार पहले तो मुझे लगा शायद इंसल्ट कर रहे हैं मेरी कि भाई आप हमें समझा रहे हो आप ही कर लो फिर मैंने मेरे म्यूजिक डायरेक्टर से आप डिस्कस हुआ तो म्यूजिक डायरेक्टर ने बोला नहीं जो आपका थॉट है फिल्म का जो आप फिल्म लिख रहे हो जो एक शब्द मैंने उस फिल्म में डाला है उसी से रिलेटेड गाना होना चाहिए तो आप लिखो इफ़ यू आर ए गुड राइटर यू कैन राइट ऑल्सो सॉन्ग ऑल्सो सो मैंने फिर ये गाना लिखने शुरू किया तब मेरा ये फर्स्ट टाइम आई अटेम्प्ट टू रिटन दिस सॉन्ग एंड माय ऑल्सो कब रिलीज हो रही है पिक्चर बता दें दर्शकों को सर दिस फिल्म इज गोइंग टू रिलीज ऑन 17 February 2023 एंड उससे पहले हमारा तेरा मुस्कुराना गाना इसके बाद हमारा लॉन्च होगा उसके बाद एक तारा हूँ दो गाने और हमारे लॉन्च होंगे तेरा मुस्कुराना भी हम यूनिक जगह पे करेंगे आप लोगों को सरप्राइज देंगे वो भी और फिर एक तारा हूँ गाना भी इतना यूनिक जगह पे करेंगे दिस इज माय प्रॉमिस टू यू कि आप लोग खुद बोलेंगे यस अगर सॉन्ग लॉन्च होना चाहिए राज कपूर साहब का तो यहाँ होना चाहिए सब आप इन्वाइटेड होंगे और हम आपको प्लेस अभी एक्सपोज नहीं करेंगे लेकिन एक तारा हूँ जो मेरा गाना है जो फिलोसफी ऑफ राज कपूर है वो हम ऐसी जगह पे करेंगे जहाँ आपको राज साहब की खुशबू आएगी थैंक यू सर थैंक यू फॉर कमिंग महेंद्र जी को बोला महेंद्र तो नहीं है पर इसके पहले तीन पिक्चर कर चुका हूँ इसके बाद मोहल्ले में आपने हमारा सुन जाए तो पूछा मुझे अच्छे करने का पिक्चर का अपने मैं पूछा स्टोरी क्या है जो भी स्टोरी हो अंदर नहीं मैं कर सकता हूँ ना और उन्हें उनको लगा मैं नहीं करूँगा शूटिंग चल रही थी उन्होंने मेरे ऐसा एक आना नाम का फॉर्म ला के रखा था इनसे अगर नहीं होता है उनसे करवाएंगे भाई मैं दो तीन पिक्चर कर चुका हूँ मुझे लगा कि मैं करूँगा बारिश बहुत चल रही थी कोरोना काल था पुलिस पीछे पड़ी थी हमने पीछे से पिक्चर बनाया जहाँ देखे पुलिस पीछे थे हमारे और सब काल के हमने एक अच्छा होटल लिया फर्स्ट स्टार उसके अंदर अपनी शूटिंग बनाई अब जो रोल मैंने किया तो कैमरा मैन थे अपने सबसे पहले उन्होंने मेरी तारीफ की तो मैंने क्या आना जस्ते होने आपने बहुत सारे काम किए अपने पर ऐसे कोई काम करता नहीं पहली बार उनको बोला कि मैं और कुछ काम कर सकता हूँ एक्चुअली मेरी लैंग्वेज मराठी है बोले अन्ना मतलब क्या होता है मद्रासी होता है उन्होंने कहा अन्ना बोल पाओगे बोला हाँ बोल पाऊँगा बोलो मैं तो कैसे बोलूँगा तो बोला उसको एक लड़की होती है बाहर गर्ल होती है उनके घर में कोई बीमार पड़ता है उसके पैसे की जरूरत पड़ती है उसको तो बोले कि हमारे जो पगड़ जी कंचन जी वो और मानो सोहेल जी उसको लेके आते मेरे पास मैं बहुत बड़ा बेडर रहता हूँ बैठता बाहर पीने के लिए उसके लड़के लेके आते वो और बोलते अन्ना जी कुछ पैसे चाहिए मैंने कहा क्या पैसे चाहिए तो बोला कि हमको मदद चाहिए काय के लिए तो इनके घर कोई बीमार पड़ा है उसके लिए मैं बोला कि अरे बीमार पड़ा है तो बहुत हॉस्पिटल पड़े गवर्नमेंट की मेरे पास क्यों आए हो मैंने उनको दिया पहले निकाल थोड़ा बोलते जितना नहीं होगा कितना चाहिए 5 लाख चाहिए तो उसको बोला मैं रजिस्टर बोला माई तेरे को 5 लाख दे गए तो मेरे साथ गोवा घूमने चले गए हैं तो माई दे गई बोलते ठीक है अन्ना उसको देता पैसा मैं तो अपने जो शूटिंग के अपने कैमरा था फट से बोल दिया कि ओके ओके सब तारीफ हो जाए बोला ओके हो गया शॉट ऐसे बहुत सारे शॉट है अभी पिक्चर तो बहुत बड़ी है मैं समझता हूँ भिवंडी भी चला है पिक्चर की शूटिंग तो भिवंडी की पूरे लोग ये पिक्चर देखेंगे शॉट है इससे पहले भी मैंने पिक्चर बनाया था उसका नाम था मैं तो प्यार करूँगा खाली मेरा पोस्टर देखिए आठ एक हफ्ता पूरा एकदम फुल चल रहा पिक्चर भिवंडी में उसने पूरा इंडिया में यहीं से उसने पूरा कमाई कर रही है ऐसा मैं मेरा गाँव सोलापुर है उसको मालूम पड़ा सोलापुर में उसने पिक्चर लगाया वहाँ भी धूम सी पिक्चर चली हुई अब ये तो पूरा बड़ा पिक्चर है उससे भी और अच्छा पिक्चर है मैं समझता हूँ कि पूरे भिवंडी में नहीं ऑल इंडिया में बहुत चला गया बहुत अच्छा गाना चला ये इसलिए मानव जी बोले कि अभी ये गाना चल रहा है पिक्चर चलेगी और इसके बाद भी पिक्चर बनाऊंगा उसमें तुम्हें पूरा रोल दूंगा बोले भाई उसके लिए उनको अभी से उन्होंने मेरे को आमंत्रित किया कि आप मेरे पिक्चर में काम करोगे शुक्रिया नन्नू जी हाँ आप क्या कहना चाहेंगे दो शब्द कुछ बोल दीजिए मैम गाने के बारे में कुछ बोल दीजिए अच्छा चलिए अर्जुन जी आप बताएं आपने प्रोड्यूस किया है पिक्चर को कैसा है ये गाने का रिस्पॉन्स
पहले गाने का तो बहुत अच्छा मिला है। गाना तो अभी लॉन्च हुआ है, अब एक दिन में पता चलेगा कैसा रिस्पॉन्स है, जैसे पब्लिक के रिएक्शन रिव्यू देख के लग रहा है कि गाना हिट होगा ये वाला। जब ये गाना देखा हम लोगों ने तो कुछ नया लगा गाना ये, और वीडियो भी बहुत अच्छा बनाया हुआ था, और जो रियल लोकेशन पे शूट किया है, और आज लॉन्च भी हम लोगों ने इसी रियल लोकेशन पे किया है। PVR वगैरह में हम लोग देखते हैं अधिकतर गाने लॉन्च होते हैं, बट रियल लोकेशन पे रियल पब्लिक के सामने शूट करने का एक एक्सपीरियंस अलग था। सर जी आप बस ये गाना बहुत अच्छा लगा, गाना पहले भी अपना एक लॉन्च हो गया है, बहुत उसका रिव्यू अच्छा आया है, उसके बाद आज दूसरा लॉन्च कर रहे हैं, इसका इससे भी ज़्यादा रिव्यू आएगा, और बहुत अच्छा गाना बना है, लोकेशन भी अच्छा था, हमारे भिवंडी शहर में अच्छा शूटिंग हुआ, वो टाइम पे बारिश का टाइम था, वो ज़्यादा करके लोग बहुत सपोर्ट किए, थोड़ा पुलिस वाले जरूर परेशान करते थे, लेकिन हमारे महेंद्र साहब थे तो कहीं पे भी दिक्कत नहीं आने देते थे, उनका सपोर्ट अच्छा मिला, लोगों का सपोर्ट मिला, और ये इतनी बड़ी लेवल पर पिक्चर चलेगी कि इसका कोई मापदंड नहीं होएगा, क्योंकि इतना अच्छा उसमें बारीकाई से काम लिया हुआ है, और इतना एक एक चीज़ उसमें बनाई है कि जो देखने जाएंगे वो दूसरे 10 जन को बोलेंगे कि एक बार हम गए थे, आप ज़रूर इसको देखने जाए, अच्छे से इसमें गाने लगाए हुए, अच्छे से टोटल उसमें स्टोरी दी हुई है, जो स्टोरी भी देखेंगे तो एक नया स्टोरी है, आज राज कपूर के ऊपर हिसाब से पूरा स्टोरी बनाया हुआ है, और मानव जी ने भी बहुत अच्छा इसमें मेहनत किया है, उनका रोल भी बहुत अच्छा है, और सब लोग का सहयोग अच्छा मिला है, और बहुत बड़ी लेवल पे ये पिक्चर चलेगी, हमको पूरी पूरी उम्मीद है, ये हम आपसे विनती करते हैं। थैंक यू। ओके थैंक यू सर जी। मैं राज कपूर हो गया इस फिल्म में, मैं रघुराम का एक कैरेक्टर कर रहा हूँ, जो हमारा जो हीरो है राज, उसका उसका फंटर है और हमेशा उसके साथ रहता है, उसने उसको काम सिखाया है, और एक समय के बाद जब राज का काम नहीं चल रहा है तो रघु उसको बहुत हेल्प करता है, रघु को राज के बारे में सारी चीज़ें मालूम है, और मतलब आप ये इस तरह से कह सकते हो कि राज के साथ एक पैरेलल मेरा कैरेक्टर चलता है, जो थोड़ा सा ह्यूमरस है। मेरे ख्याल से पूरी फिल्म में राज अगर सीरियस और इमोशनल है तो पूरी फिल्म में रघु बहुत ही हल्का फुल्का और क्या बोलते हैं, हंसी क्रिएट करने वाला एक कैरेक्टर है। मैडम आप जो है किस तरह से जुड़ी हुई है इस फिल्म में? जैसे ये हंसी क्रिएट करते हैं, मैं टेंशन क्रिएट करती हूँ। मैं इस फिल्म में एक NGO की मालकिन और हीरोइन रघु को मिलती है रास्ते में, तो वो मेरे पास लेकर आता है कि आप उसको रखो अपने पास। मैं क्या करती हूँ कि लड़कियों को बड़े बड़े पॉलिटिशियन वगैरह को ऐसा है मेरा कि मैं आश्रम के नाम पे पूरा धंधा, NGO के नाम पर वही गलत का, तो बस फिर हीरो मुझसे उसको बचाता है और फिर कहानी आगे बढ़ूँगी, तो हम ना हो तो कहानी आगे बढ़ने के लिए कुछ मिलता है, कॉमेडी जैसे जरूरी है वैसे नेगेटिव की जरूरत है। भिवंडी में जैसे लॉन्च यहाँ पे हुआ, भिवंडी में क्या कहना चाहेंगे सॉन्ग का? इधर लॉन्च जो हुआ कितना अलग लगा आपको नॉर्मल गाने जैसे लॉन्च होते हैं? जी देखिए, नॉर्मली इवेंट तो हमारे इंडोर होते हैं, वहाँ पे हमारे ही अपने लोग होते हैं, लेकिन ये एक अलग तरह का एक क्या कहते हैं, ये अलग स्टाइल है कि आम पब्लिक में जाके आप किसी सॉन्ग को लॉन्च करते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो हमने शूट किया है वो इसी जगह पर शूट किया है, इसी जगह बाकी बहुत सारे आजू बाजू दूर वाले सारे लोग तो हम जानते ही हैं, और यहाँ पे ये बहुत अलग तरीके से हुआ, मुझे बहुत मज़ा आया। आपको मज़ा आया? करने का उद्देश्य यही है कि ये चौल की कहानी है ना, चौल की लड़की है, वो लोग मस्ती कर रहे हैं चौल में, तो यहाँ शूट हुआ तो इनके साथ ही रिलीज करने के लिए अपनापन हो रहे थे, हाँ मुश्किल लग रहा है। शुक्रिया। थैंक यू।